हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं जी? हां दोस्तों, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, वो समय आ चुका है जब हर जगह पर सिर्फ एक ही चीज छाई होगी। हम बात करें दोस्तों हमारे पसंदीदा आईपीएल की। आईपीएल देखिए सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि भारत के लिए दोस्तों इमोशन है। ये वो पल है जब सारा परिवार साथ में आकर मैच देखता है और ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई भी चीज दूध से धुली नहीं होती, यहाँ तक कि आजकल तो भाई दूध में भी काले तिनके होते हैं। और इसलिए आज हम आपको आईपीएल से जुड़े कुछ ऐसे काले राज बताने वाले हैं जिससे ज्यादा लोग अनजान है। इसे जानने के बाद दोस्तों आप आईपीएल को एक अलग ही नजरों से देखेंगे, तो इसलिए बने रहिए दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे संग। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नंबर 7, रेसिज्म। दोस्तों ये सब सुनने के बाद आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज के वक्त में भी रेसिज्म जिस चीज आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में देखने को मिलती है। आपने डांस करती हुई चीयर लीडर्स को देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ये जो चीयर लीडर्स होती है इन्हें खास तरीके से आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स सिलेक्ट करते हैं। और आपने आज तक शायद ही कभी चीयर लीडर्स में किसी डार्क टोन वाली लड़की को देखा होगा, क्योंकि देखिए बहुत से लोग के पहले से ऐसी मेंटेलिटी रही है जिसका भी कलर गोरा है वो दूसरों से ऊपर है। लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि गोरा कलर ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे इंडिया में भी ये चीज देखने को मिलती है। देखिए ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड इसी वजह से चीयर लीडिंग के दौरान सिर्फ गोरी लड़कियों को ही चूज किया जाता है। आपको लगता होगा जो चीयर लीडर्स अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से बुलाई जाती है वो सारी की सारी भैया गोरी होती होंगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। इनमें भी बहुत सारी डार्क कलर्स वाली चीयर लीडर्स होती है, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता, और अगर उन्हें सिलेक्ट किया जाता है तो परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता। इसी के साथ चीयर लीडिंग में भी भारत की लड़कियों को भी कम चूज किया जाता है, और भारत की लड़कियों को स्किनी कपड़े पहनने भी अलाउड नहीं होते, और बाहर से आए चीयर लीडर्स को जानबूझकर स्किनी कपड़े पहनाए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नंबर 6, कमर्शियलाइजेशन वर्सेस डेवलपमेंट ऑफ लोकल टैलेंट्स। दोस्तों आप में से ज्यादा लोगों को ये बात नहीं पता होगी, आज भले ही आईपीएल मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा मौका बन गया है, लेकिन पहले इस लीग को बस इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो इंडिया के अपकमिंग टैलेंट्स हैं उनको राइज करने का मौका मिले। जैसे कि आप जानते ही होंगे इंडिया में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं और उनमें ज्यादा टैलेंट भी है, लेकिन इसके बाद भी उनको अच्छा मौका नहीं मिल पाता, लेकिन वहीं यहाँ पर वो खेलकर अपने हुनर को दिखा सकते हैं, इसलिए आईपीएल को इंडिया में लॉन्च किया गया। ये इंडिया के टैलेंटेड खिलाड़ियों को अच्छा मौका देती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी कुछ नया सीखने को भी मिलता है और उनका नाम भी होता है, और उसी के साथ पूरे भारत के सामने उभरते सितारे आते हैं। आज इंडियन टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पहचान आईपीएल के जरिए ही मिली है, लेकिन जिस कमाल के इंटेंशन से इसकी शुरुआत की गई थी आज उसी को ये लोग भूल गए हैं। आज ऐसे कई कमाल के यंग प्लेयर्स हैं जिन्हें टीम में लिया तो जाता है लेकिन खेलने का मौका तक नहीं दिया जाता, और ऐसे कई हैं जिनको तो भाई ऑक्शन में खरीदा ही नहीं जाता। इसकी शुरुआत देखिए इसलिए की गई थी ताकि यंगस्टर्स को बढ़ावा मिल सके और इंडिया में क्रिकेट और ज्यादा बूस्ट हो, और वहीं आज के टाइम में सिर्फ मैच जीतने के लिए अच्छे प्लेयर्स को खरीदा जाता है और कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता। नंबर 5, ब्लैक मनी। दोस्तों आईपीएल में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको खरीदा नहीं जाता या फिर उनकी टीम उनको फिर से रिन्यू नहीं करती, ऐसे में वो स्टार प्लेयर्स कई बार गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा प्लेयर है तो लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर प्लेयर पड़ा है और फिर से उसे खरीदा नहीं जाता तो इस सिचुएशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि उस प्लेयर को अंदर से ब्लैक मनी खिलाई जाती है। इसी के साथ आईपीएल में कई लोग बैन भी हुए हैं, इसके बावजूद उन लोगों को किसी खास सर्विस के लिए बुलाया जाता है जिसके बारे में प्रोफेशनली कभी भी बात नहीं की जाती। इसी के साथ बहुत ज्यादा महंगी कार, लग्जरियस चीजें, बिजनेस शेयर्स और ऐसी कई सारी चीजें बीसीसीआई द्वारा उन प्लेयर्स को दी जाती है। अब ये कब दी जाती है, कैसे दी जाती है ये तो पता नहीं, और सबसे मेन चीज क्यों दी जाती है, इसको देने का मतलब क्या है, इसके बारे में बीसीसीआई ने कभी भी नहीं बताया है। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी नकार देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्लेयर्स को कुछ दिया ही नहीं। इसी के साथ कई लोगों का कहना है कि बीसीसीआई इनको इनका मुंह बंद रखने के लिए पैसे देती है, क्योंकि इनके कई ऐसे राज हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स को ही पता है, इसलिए अगर उन्हें टीम में नहीं लिया गया और वो गुस्सा हो गए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को ना खरीदे जाने के बाद भी पैसे और लग्जरियस चीजें मिलती है, ये कई बार देखा गया है। नंबर 4, व्यू ऑफ द आफ्टर पार्टी। दोस्तों मैच जीतने के बाद जश्न मनाना क्रिकेटर्स के लिए एक आम बात है और ये पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये चीज हमेशा से ही विवादों में घिरी हुई है। कई बार मैच के बाद पार्टी करते क्रिकेटर्स की ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जो उनकी और उनकी टीम के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठाती हैं। यहाँ तक कि कई फॉरेन की चीयर लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि मैच के बाद उन्हें पार्टी में बुलाया जाता है और उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की जाती है। यहाँ तक कि कुछ चीयर लीडर्स ने तो मोलेस्टेशन जैसी घिनौनी हरकतों का नाम भी लिया है। कई फॉरेन चीयर लीडर्स ने तो साफ साफ क्रिकेटर्स का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने हमारे संग ऐसी हरकत की और ये नाम इतने ज्यादा बड़े बड़े क्रिकेटर्स के हैं कि हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। पर अब ये सच है या झूठ,
इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए हम पक्के तौर पर देखिए किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रेव पार्टी में भी हिस्सा लेते हैं, यानी कि वो पार्टीज जो बड़े बड़े क्लब्स में होती है, फार्म हाउस वगैरह में होती है ना, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि ऐसी पार्टी में इलीगल ड्रग्स लेने का भी इल्जाम क्रिकेटर्स के सर लगाया जाता है और कई क्रिकेटर्स को मैच के बाद ऐसी पार्टीज करते वक्त पकड़ा भी गया है। हालांकि आईपीएल के बाद आज तक किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन कई बार ऐसी पार्टीज में शामिल होने के लिए क्रिकेटर्स का नाम सोशल मीडिया पर आया है और वहीं लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के बाद लोग ऐसा करते हैं तो आईपीएल मैच के बाद भी ऐसा करना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3, मैच फिक्सिंग। दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों जगह पर कई बार चर्चे में आती रहती है। वैसे तो प्लेयर्स को काफी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं मैच खेलने के लिए, लेकिन इसी के साथ कई बार जब क्रिकेटर को और ज्यादा पैसे ऑफर किए जाते हैं तो वो उन पैसों को ले लेते हैं और उसके बदले में जानबूझकर गंदा खेलते हैं। और कई बार तो क्रिकेटर्स को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं तो वो अपने सामने वाले बैट्समैन को जानबूझकर रन आउट भी करवा देते हैं। साल 2012 और साल 2013 के बीच इंडियन क्रिकेट के 3 ऐसे बड़े नाम सामने आए थे जिन्होंने मैच फिक्स किया था। आईपीएल की ही बात कर रहा हूं मैं, इस हादसे ने सबको चौंका दिया था। ये नाम है श्रीसंत, अंकित और अजीत का, जो कि तीनों ही भारत के बहुत ज्यादा बड़े और कमाल के खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इन तीनों ने मैच फिक्स किया है तो लोग बिल्कुल हैरान हो गए। इसे इतिहास का सबसे बुरा क्रिकेट का दिन भी कहा जाता है और इस दिन इन तीनों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया, यानी कि ये सब अब प्रोफेशनल तौर से कभी भी क्रिकेट में नहीं खेल सकते। इस दिन स्पोर्ट्समैनशिप को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि लोग इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे जो कि टूट गए। नंबर 2, पेमेंट इश्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों सोचिए, आपने अपनी पूरी मेहनत से अपना काम किया और उसके बाद आपको पैसे नहीं मिले। अगर मिलते हैं तो भाई पूरे पैसे नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादा देर से मिलते हैं। अगर ऐसा आपके संग होता है तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है यार, बुरा लगेगा। ऐसी होता है दोस्तों क्रिकेट में नाचने वाली चीयर लीडर्स के साथ। यहाँ पर जो भी चीयर लीडर्स होती हैं, ये ज्यादातर बाहर के देशों से बुलाई जाती हैं और बाहर के देशों से इन्हें यहाँ पर बुलाकर 1-स्टार होटल में रखा जाता है। चलो मान लेते हैं कि भाई सबको देखिए 5-स्टार होटल का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम 2 या 3-स्टार होटल ट्रीटमेंट तो देना चाहिए। 1-स्टार होटल में दोस्तों माहौल कैसा होता है ये बात सबको पता है। इसके बाद चीयर लीडर्स ने कहा कि उनके पैसे देके बहुत ज्यादा डिले किए जाते हैं। अब ऐसा हर एक टीम करती है जरूरी नहीं है, लेकिन कई टीम अपने चीयर लीडर्स को बहुत कम पैसे देती है और बहुत लेट पैसे देती है। इसी के साथ इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो भी इंडियन चीयर लीडर होती है उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनाए जाते हैं या फिर ट्रेडिशनल जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो चीयर लीडर्स बाहर से बुलाई जाती है उन्हें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता है। इसी के साथ इनका कहना है कि ऑडियंस में बैठे लोग इनके साथ ऐसी हरकत कर देते हैं कि रात को सोच के नींद भी नहीं आती। कई लोग ऑडियंस में बैठकर इनकी तरफ काफी ज्यादा बुरे बुरे इशारे करते हैं, इनकी गलत तरीके से फोटोज खींचते हैं, पीछे से गालियां तक बकते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। एक चीयर लीडर ने ट्वीट करके लिखा था कि पीछे खड़ा व्यक्ति ऐसा मुंह बना रहा था जैसे कि वो मुझे चूम रहा हो और साथ में गाली भी दे रहा था और मेरी फोटोज खींच रहा था। सोचिए, ये अपना काम करने आए हैं और लोग इस तरह से ट्वीट करें तो ये कितना बुरा है। और बीसीसीआई में कंप्लेन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। नंबर 1, बैटिंग। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग के बारे में। बैटिंग से मेरा मतलब है सट्टा। लगभग क्रिकेट की शुरुआत से ही क्रिकेट पर सट्टा लगाया जाता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे। वैसे देखिए पूरे भारत में सट्टा लगाना गैर कानूनी है, खासकर अगर आप क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो बड़ा जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन वही इंडिया में कई बैटिंग ऐप हैं जो कि बिल्कुल किसी सट्टे की तरह काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये ऑनलाइन होता है और ये कई बार आईपीएल को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से खुद बीसीसीआई भी इसे नहीं रोकती, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करती और इसे प्रमोट करती है। पर अगर आप देखें तो इसमें और सट्टे में बस पैसे के अमाउंट को छोड़कर कोई डिफरेंस नहीं है और सट्टे लगाने की वजह से कई बड़ी बड़ी टीम्स भी बाहर हुई हैं, जैसे कि सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, इन्हें 2 साल तक बैटिंग की वजह से बैन कर दिया गया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।